टोल एक ऐसा शब्द जो कहने से सबसे पहले दिमाग में बात आती है वो है ट्रैफिक, न कि पैसे। Isn't this amusing? लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमें इस टोल के लाइन से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी, और वो चीज का नाम है येलो लाइन। क्या है ये येलो लाइन? कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 40 मिनट, कभी कभी तो घंटों लग जाते हैं वो बस एक टोल बूथ क्रॉस करने में। तो देखते हैं कैसे वो येलो लाइन हमें मदद कर सकती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये है येलो लाइन। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के निर्देशों के अनुसार अगर ट्रैफिक येलो लाइन के बियॉन्ड चला जाए तो टोल वालों को स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स है कि ट्रैफिक बिना पैसे लिए क्लियर किया जाए। लेकिन फिर भी अगर टोल कंपनी ने इसका पालन नहीं किया और अगर आप येलो लाइन के पीछे अटके रहे तो आपको यह पूरा हक है कि आप आगे का सफर बिना टोल पे किए करें। इसका मतलब है कि टोल कंपनीज को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से ऑलरेडी डायरेक्टिव्स मिल चुके हैं कि यदि ट्रैफिक येलो लाइन के बियॉन्ड चला जाता है तो आपको येलो लाइन के आगे वाला ट्रैफिक बिना पैसे लिए छोड़ना पड़ेगा। अब आपने ये वीडियो देख के और येलो लाइन के बारे में जान के आधा काम तो कर दिया है, अब समय आता है इसे इंप्लीमेंट करने का। अगले टाइम अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप टोल ऑपरेटर्स को हक से ये कह सकते हो कि मुझे बिना टोल पे किए आगे का सफर करने दे। अब आप ये रूल कैसे इंप्लीमेंट करोगे या फिर ये हक कैसे जताओगे, इसकी छोटी सी झलक मैं आज आपको देता हूं। आज जब मैं टोल नाके पे गया तब मैंने एक बार को रिक्वेस्ट की कि अब ये येलो लाइन का रीजन देके बिना पैसे दिए टोल क्रॉस करें, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सर आता मी तुम्हाला टोल लाइन च्या आधी एक येलो लाइन कन्सेप्ट बद्दल सांगितलं, तुम्हाला माहिती होतं का त्या कन्सेप्ट बद्दल? आज पहिल्यांदाच माहित पडलं आपल्याला, आपण बोलल्यानंतरच आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन भेटली। सर तुम्ही आता किती वर्ष प्रवास करतात? 4-5 वर्ष झाले असतील। आणि असे किती वेळा तुम्ही ट्रॅफिक मध्ये अडकलात? हो समजा आठवड्यात 2-3 वेळा आपण अडकतो। बरं, तर तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा की तुम्हाला येलो लाईन किंवा ते टोल ऑपरेटर सांगताना काही डिफिकल्टी आल्यात का की त्यांनी रेडी एक्सेप्ट केलं? नाही, ऍक्च्युली आज त्यांना माहीत पडला, ते कॉन्सेप्ट बघत होते की तुम्ही हायत मागे म्हणजे रेकॉर्ड करताय सगळं विषय, म्हणून त्यांनी सोडला नाही, तर त्यांच्या मनाने त्यांची राजीखुशीने ते सोडले असं मला। मैं आपको यह भी बता दूं कि टोल वाले भी आसानी से नहीं मानेंगे, वो भी बहुत शोर करेंगे, बहुत हल्ला करेंगे, कहेंगे कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। अगर फिर भी वो नहीं माने तो आप एक ऐसा शस्त्र निकाले जो आपके पास हमेशा रहता है, और वो है कैमरा फोन, मोबाइल फोन। तुरंत अपने रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए और उनका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कीजिए और वो सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब बहुत सारे टोल नाकों पे फिर येलो लाइन का बोर्ड नहीं देखोगे, कभी कभी तो येलो लाइन भी बहुत ब्लर हुई रहेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये मैसेज येलो लाइन का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग टोल देने से रिफ्यूज करने लगेंगे, क्योंकि टोल ऑपरेटर्स पे भी प्रेशर बढ़ेगा, उन्हें बाय हुक और क्रुक हमारी सुविधाओं का ख्याल करना पड़ेगा, उनका फोकस ऑटोमेटिकली टोल कलेक्शन से ट्रैफिक डीकंजेशन पे चला जाएगा जो हम चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, ये येलो लाइन का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए, इधर बाय वर्ड ऑफ माउथ या फिर ये वीडियो शेयर करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए, मुझे आपके एक्सपीरियंसेस बताइए ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी आपके एक्सपीरियंस से प्रेरणा मिले और वो भी ये एक्शन लेने से कतराए नहीं। वंस अगेन आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप माई मैसेज इज कन्वेड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।